नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, जब गिद्ध की मौत आती है वो जंगल छोड़ के शहर की ओर भागती है। और सेम टू सेम गलती तालिबान ने कर दिया है, अपने पाँव में कल कुल्हाड़ी मार दिया है, अपना गला खुद ही काट लिया है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत ने ओपनली पूरी दुनिया को बोला है अब की बार हम नहीं सहेंगे तालिबान को मिटाने के लिए, तालिबान को बर्बाद करने के लिए। दोस्तों भारत दुनिया का सबसे खतरनाक फैसला लेने जा रहा है, सब कोई चुप हो गया है, दुनिया शांत हो गया है और इस समय भारत का अफगानिस्तान में एंट्री होने वाला है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। और तालिबान के थिंक टैंक, यहाँ तक कि तालिबान के जो बड़े बड़े नेता है, वो आज रो रहा है, बोल रहे भाई आखिरकार हमने कल ये गलती क्यों किया, अगर ये गलती ना करते, अगर भारत को हम आंख ना दिखाते तो भारत हमारे लिए तैयार फैसला ना लेता। दोस्तों तालिबान को खुद लग रहा है कि हमारा जो सत्ता मिला है वो सत्ता हासन चला जाए, हमें दौड़ा दौड़ा के ना मारे, हमारे ही घर में घुस के हमारे ही कब्र ना खोद। दोस्तों भारत के खौफ से तालिबान में अब हर कम मचा हुआ है और तालिबान अब शांति की बात कर रहा है, बोला है कि अरे भाई हम कुछ नहीं बोले, हमें माफ़ कर दो, हमारे लोगों को माफ़ कर दो, आखिरकार भारत तो बहुत बड़े दिल वाले हैं। दोस्तों तालिबान बहुत कुछ कर, आप लोग पूरा खबर देखिए और मैं बताऊँगा भारत का ये प्लान अगर सफलतापूर्वक कामयाब रहा दोस्तों, तालिबान तो क्या पाकिस्तान का भी आतंकवादी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए। लेकिन इससे पहले बोल दूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उस लिंक पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, अपना प्यार देश और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान, आराम से मेरा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। अब चल जाए आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों आप जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जो जल्दी किसी को छेड़ता नहीं है, ना तो किसी को कुछ आंख दिखाता है, लेकिन जो भारत को जबरदस्ती आंख दिखा दे, भारत उसका आंख निकालना भी दोस्तों जानता है, ये इतिहास गवाह हम लोग का रहा है। अब बड़ी बात यह है, तालिबान पिछले 4-5 दिन से भारत को खुश करने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे थे, यहाँ तक बोले थे कि हम लोग तो कश्मीर में जाएंगे, नहीं भारत से कोई पंगा लेंगे, कश्मीर तो पाकिस्तान भारत का समस्या है, हम यहाँ पर क्यों जाएंगे, भारत तो मेरा मित्र है, पड़ोसी है, भारत यहाँ पर आए, अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो शुरू करे, अफगानिस्तान में फिर से आए, यहाँ पे इन्वेस्ट कर। दोस्तों तालिबान हर तरह की बातें बोला था। बड़ी बात तो यह है, हाल ही में आज से 3 दिन पहले भारत सरकार और तालिबान के बीच में दोस्तों एक मीटिंग भी हुआ है दोहा कतार में एक मीटिंग हुआ है। और बड़ी बात तो यह है, 2 दिन पहले सब कुछ बदल गया दोस्तों, तालिबान ने अपना असली रूप दिखा दिया, तालिबान ने बता दिया कि वो असली कायर है, वो कुत्ते का दुम कभी सीधा होने वाला है नहीं। दरअसल जानते हैं आज से 2 दिन पहले अलकायदा के जो लीडर है उन्होंने तालिबान को एक पत्र लिखा था और बोला था कि हम लोग भाई भाई हैं, बधाई हो तालिबान की जीत पे, हम बहुत पूरा बधाई देते हैं और तालिबान अपना काम शुरू करे, यानी कि अब कश्मीर को आगे लाए, कश्मीर को आज़ाद करे। दोस्तों ये बात खास तौर पर अलकायदा बोला था और तालिबान ने उसे एक्सेप्ट किया था। दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था, हम लोग कुछ नहीं बोले, अब की बार तालिबान का जो प्रवक्ता है सुहेल शाहीन, अब जानते हैं सुहेल शाहीन खास तौर पे तालिबान के लिए एक डमरू है, जिधर मन है उधर आगे कुछ बोल देता है। सुहेल शाहीन ने आज से 1 दिन पहले एक बयान दिया कि हम अब ओपनली दुनिया को बोलना चाह रहे हैं, हम अब भारत को बोलना चाह रहे हैं, कश्मीर का मुद्दा हम पूरे दुनिया में उठाने वाले हैं, हम पहले जो भी बोले उस सबको हम भूल जाते हैं, हम अब भारत पर अटैक करने वाले हैं, कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, कोने कोने में उठाएंगे, चाहे OIC हो चाहे यूनाइटेड नेशन हो, हर जगह उठाएंगे और कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, कश्मीर को पूरी तरह से अलग देश बनवाएंगे या फिर पाकिस्तान में मिलवाएंगे। दोस्तों ये बात कल ही यानी कि सुहेल शाहीन ने BBC को बोला और बड़ी बात तो यह है, भारत को बता दिया कि तालिबान भारत का कितना बड़ा दुश्मन है। दोस्तों अपने आप में हमारे लिए इस सदमे से कम नहीं था, अब इसीलिए हम लोगों ने ठान लिया है कि अब तालिबान को मिटाना है, अगर तालिबान रहेगा तो भारत को बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और इसलिए दोस्तों भारत अब तालिबान पर सबसे ज़्यादा प्रहार करने जा रहा है। आप बोलेंगे आखिर भारत क्या करेगा, देखिए अब जानते हैं, 1 महीना से भारत अपने लोगों को बचा रहा था, अफगानिस्तान से निकाल रहा था, सिख हिंदुओं को बचा रहा था, अब दोस्तों लगभग काम तमाम हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास एक मौका है, वह तालिबान को घेरना। और दोस्तों हमसे पिछले 1 महीना से खासतौर पर पंजशीर से लोग भारत से मदद मांग रहा है, हथियार मांग रहा है, गोले बारूद मांग रहा है। पंजशीर के लोग बोला है कि अगर आप हमें हथियार ना दे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम हमें आप अलग देश का दर्जा दे दीजिए, अगर आप हमें
अलग देश बोल दीजिएगा तो ऑटोमेटिक दुनिया के सारे देश हमें अलग देश बता देगा, और फिर क्या होगा, दुनिया के तमाम देश हमें फंड करेगा और यहाँ पे हम बस जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए तालिबान का हम बहुत बड़ा दुश्मन बन के रहेंगे, तालिबान को खदर खदर के मारेंगे। और दोस्तों पंजशीर का जो नॉर्दर्न अलायंस है, उमरुल्ला सलाही साहब ने कहा कि अगर हमें थोड़ा कोई फंड दे देना तो हम तालिबान के हाथ से केवल 6 महीना में आधा ज़मीन छीन लेंगे, यानी कि पूरे नॉर्थ खासतौर पर अफगानिस्तान हमारा होगा। और जिस प्रकार से छोटा सा इजराइल खासतौर पर पूरे इस्लामिक दुनिया भारी पड़ता है, उसी प्रकार से हम लोग कुछ लोग हैं लेकिन पूरे तालिबान को खदेड़ खदेड़ के मारेंगे। दोस्तों ये बात कौन बोलता, ये नॉर्दर्न अलायंस बोल रहा था लेकिन हम लोग चुप थे। अब बड़ी बात तो यह है, भारत ने बहुत बड़ा मेगा प्लान बनाया है, अब भारत ओपनली नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करने के लिए मैदान में जाने वाले हैं, ओपनली अफगानिस्तान में अपना एंट्री करने वाले हैं और दुनिया का नेतृत्व करने वाले हैं। सबसे पहले भारत तो अब नॉर्दर्न अलायंस को एक अलग देश का मान्यता देने वाले हैं, और दूसरी बात तो यह है भारत नॉर्दर्न अलायंस को कुछ पैसा भी देगा और हथियार भी देगा ताकि अफगानिस्तान अब नॉर्दर्न अलायंस में बिजी हो सके। और भारत चाहता है कि नॉर्दर्न अलायंस को सबसे सहयोग दिया ताकि नॉर्दर्न अलायंस मजबूत हो जाए और तालिबान हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर सरेंडर हटा ले और नॉर्दर्न अलायंस पे अटक जाए। दोस्तों इसी प्लान में भारत है, भारत चाहता है कि दोनों आपस में लड़े आपस में ही मरे, यानी कि उसका दिमाग फ्री कहीं ना हो पाए। बड़ी बात यह दोस्तों हमारे लिए एक समस्या और है, तालिबान ओपनली बोल रहा है कि हम भारत में आतंकवादी नहीं भेजेंगे, केवल कश्मीर मुद्दा उठाएंगे हर जगह। दोस्तों ये गलत है, तालिबान बोले कि हम ऐसा नहीं कर, लेकिन अंदर ही अंदर पाकिस्तानी आतंकवादी साथ खासतौर पर अपने आतंकवादी को हमारे देश में भेज देगा, कश्मीर में भेज देगा, और बाद में बोलेगा कि भाई ये तो मेरा है ही नहीं। जिस प्रकार पाकिस्तान बोलता है कि ये तो हमारा आतंकवादी है ही नहीं, यानी कि अपना नाक छुपा लेता है, तालिबान भी यही खेल खेलने वाला है, यानी कि दुनिया को बोलेगा कि हम कश्मीर में आतंकवादी नहीं भेजेंगे, केवल बयानबाजी करेंगे और दूसरी ओर वो आतंकवादी भेजेगा और बोलेगा कि ये तो मेरा आतंकवादी है ही नहीं। दोस्तों खासतौर पर तालिबान जिहाद के नाम पर बहुत कुछ करने वाला है और इसीलिए भारत ओपनली अब खासतौर पंजशीर में कूदने वाले हैं। इन सब के अलावा दोस्तों भारत की रणनीति से, भारत का जो माहौल है उसे भांपते हुए सुहेल शाहीन को अपने गलती का अंदाज़ा हो गया है, तालिबान को अपने गलती का अंदाज़ा हो गया है, और इसीलिए सुहेल शाहीन ने एक बार फिर से अपने गलती को माना है, बोला कि भाई हमारे मुंह से निकल गया है, हम कश्मीर मुद्दा को नहीं उठाएंगे, हमें माफ़ कर दो। सुहेल शाहीन ने यह कहा कि जिस प्रकार से हिंदू को सिख को अफगानिस्तान में जीने का अधिकार है, अपने धर्म को पूजने का अधिकार है, उसी प्रकार से मुस्लिम को भी हिंदुस्तान में और कश्मीर में अपने खासतौर पर ईश्वर को पूजा करने का पूरा अधिकार है। दोस्तों सुहेल शाहीन ने कहा कि हम इसके लिए बोले थे, जबकि सच्चाई तो यह दोस्तों सुहेल शाहीन एक झूठा मक्कार और एक गद्दार आदमी है। अफगानिस्तान में आज एक भी हिंदू दोस्तों नहीं बचा है, वहाँ से सब भाग भाग के अपना जान बचा रहा है, जबकि सच्चाई तो यह है हमारे लिए हर धर्म दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबको हम लोग आज़ादी दिए हुए हैं। आप देख लीजिए 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय मुसलमान केवल भारत में कितना पता है पूछो, मुसलमान केवल भारत में 3 करोड़ था, लेकिन अब कितना है 2021 में लगभग 21 करोड़, यानी कि केवल 70 साल में दोस्तों 7 गुना बढ़ा है। और सिंपल सी बात है, कहीं भी कोई धर्म पता कैसे बढ़ता है जहाँ पर उसे आज़ादी मिले। तो बड़ी बात यह है भारत में किसी को दिक्कत नहीं है, सब बिंदास जी रहा है, लेकिन तालिबान झूठा आदमी दोस्तों बहुत बड़ा बेवकूफ़ है और भारत को घेरने के लिए ऐसा बयान दिया है।